अभी दादा अनुराग बासु के साथ तो मैं जिंदगी भर काम करना चाहूंगी। उन जितनी बार वो जो बोलेंगे अब तू सेट आ जा, पासिंग दे दे, मैं चली जाऊंगी। तो दादा के साथ तो वैसा रिश्ता है, घरेलू रिश्ता है। बाकी मेघना गुलजार के साथ भी उनके साथ काम करना था और अब मौका मिला है। आई एम एक्साइटेड। आई होप जो काम किया लोगों को पसंद आए। डेफिनेटली एंड धक धक आ रही है। लिमिटेड हाँ, रिलीज इज है, आल्सो देयर यार। लिमिटेड रिलीज है तो कुछ समय के लिए ही थिएटर्स में होगी और बहुत ही कम थिएटर्स में आएंगी, कम स्क्रीन्स में। तो आई होप लोग जाके देख ले, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस एक बड़े स्क्रीन में देखने में अलग ही होगा, क्योंकि काफ़ी सारा लैंडस्केप है, जो लद्दाख है, मनाली है, एंड अ बाइक ट्रिप बाइक ट्रिप है, तो वो या जो विजुअली एक बड़े स्क्रीन में देखने में बड़ा मज़ा आएगा। हाय फातिमा, वेलकम टू न्यूज़ 18। हाउ आर यू डूइंग? वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट एज वेल। फर्स्टली आई रियली लव्ड योर परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। टेल मी समथिंग अबाउट इट एंड योर एसोसिएशन विद लॉरियल। दिस इज द फर्स्ट टाइम एज यू मेंशन्ड। सो ये पहली दफ़ा हम एसोसिएट कर रहे हैं लॉरियल के साथ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड एक मुद्दे के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहा है। सो इससे कोई बेहतर तरीका या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी, बिकॉज ये दो चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। द कॉज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। जो कोई विक्टिम होता है, जिसके साथ अगर कुछ होता है, तो बाई स्टैंडर्ड को क्या करना चाहिए, कैसे मदद करनी चाहिए, वो गाइडलाइंस हमारे पास होते नहीं हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने, बहुत ही प्रिसाइस और छोटे, बहुत ही ईजी तरीके से उन्होंने ये सिखाया। और मेरा पहली दफ़ा था स्टेज पे जाने का एंड टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। सो मुझे बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। यू नो लॉरियल काफ़ी सालों से दे हैव बीन स्पीकिंग अबाउट स्ट्रीट हरासमेंट एंड दे हैव लॉन्च सेवरल कैंपेन्स ऑल्सो यू नो रिगार्डिंग द सेम। यू नो एज अ सेलिब्रिटी, एज अ प्रोमिनेंट फिगर, हाउ विल यू यूज योर सोशल मीडिया इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट इट एंड थिंग्स लाइक दैट? आई थिंक एटलीस्ट मेरे साथ जो है वो मेरे नेचुरली जो आता है, जो चीज़ों के बारे में बात करती हूँ वो बहुत नेचुरली करती हूँ। अगर मैं कोई रोल मॉडल नहीं भी होती तो भी मैं करती। आई एम जस्ट फॉर्चुनेट दैट आई हैव पीपल लुकिंग अप टू मी और आई हैव फॉलोअर्स जो शायद जो मैं बोलना चाह रही हूँ या कोई कॉज को सपोर्ट करना चाह रही हूँ, उसके कारण थोड़ा और सपोर्ट मिल सकता है या थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है। सो आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैव दैट एंड आई ओनली टॉक अबाउट कॉजेज दैट आई रेजोनेट विथ। वो प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के ऊपर कि आप हर चीज़ के ऊपर बात करो। तो वो मुझे लगता है जो चीज़ आपको सही लगती है उसके बारे में बात कीजिए। तो जो मुझे लगता है मैं करती हूँ। कोई एडवाइस आप देना चाहेगी टू पीपल यू नो हु हैव फेस्ड स्ट्रीट हरासमेंट और समथिंग? सबसे पहले तो ये होता है कि हम लोग विक्टिम शेमिंग करते हैं, तो जो विक्टिम होता है उसे लगता है कि उसी ने कुछ गलती की है। अब ये जो माइंडसेट है ये आज नहीं बदलेगी, क्योंकि बहुत सदियों से चलता आया है। तो ये माइंडसेट को बदलने में ना बहुत जनरेशन्स लगते हैं, बट वो शुरुआत अगर हम आज नहीं करेंगे तो आपके जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे, वो सेफ एनवायरनमेंट कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज यूथ कि हम इसके बारे में या तो अवेयरनेस क्रिएट करें, एंड मोर देन अवेयरनेस टू बी ऑनेस्ट, कि आपके लाइफ में आप वो डिसीजंस लो, और वो छोटे छोटे डिसीजंस होंगे, चाहे वो आपके भाई को समझाना, आपके दोस्त को समझाना, या आपका भाई आपको समझाना। क्योंकि हमें लगता है कि फेमिनिस्ट खाली एक औरत ही होती है, पर एक मर्द भी फेमिनिस्ट होता है। Exactly. और फेमिनिस्ट मतलब ये नहीं है कि मेल बैशिंग, फेमिनिस्ट मतलब कि विमेन आर इक्वल्स, एटलीस्ट सेरेब्रली हम लोग थोड़ी ना कुश्ती करने वाले हैं। तो वो उस मामले में मुझे लगता है कि सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यू नो लॉरियल ने काफ़ी सालों से दे हैव ऑल्सो रीडिफाइंड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फॉर यंग गर्ल्स लाइक अस। एंड जब मैं आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ, यू हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल सेलेब्स आउट देयर, यू नो विदाउट एनी फिल्टर एंड थिंग्स लाइक दैट। आपको एक प्रेशर फील होता है क्या दैट यू हैव टू लुक अ सर्टन वे एंड थिंग्स लाइक दैट? आई थिंक वो प्रेशर हम सब लोग फील करते हैं, मतलब आप भी करते होंगे एट सम पॉइंट, कॉलेज में हम करते हैं जब भी हमें लगता है कि हमें अच्छा दिखना है, ये कूल लड़की है, मुझे इसके जैसा दिखना है या मुझे टॉम बॉय बनना है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि ये जो कैरेक्टर है या जो भी इसका फॉर्म है, ये दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर्म टू योर पियर्स एंड आई हैव टू बी लाइक दैट। और दैट डजेंट मीन के इट फॉल्स इन टू के वाइट स्किन लंबे बाल। इट फॉर मी देर वॉज दिस चिक हु वॉज अ टॉम बॉय। मुझे लगा यार सब लोग समझते हैं ये लड़की बड़ी कूल है, मैंने अपने बाल काट दिए, मैंने लड़कों जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। सो दैट जो है वो किसी चीज़ को अब अपने आप को एसोसिएट करना, दैट कम्स फ्रॉम इनसिक्योरिटी, बिकॉज यू आर नॉट सिक्योर, बिकॉज यू डो नॉट नो हु यू आर। तो एज टीनेजर्स एंड एज यंग एडल्ट्स अगर हम वो जल्दी फिगर आउट करेंगे तो हमारा एडल्टहुड थोड़ा
less trauma ke sath bitega. One last thing I wanted to know from you, you know, apart from your brand endorsements, people love watching you in films, and aapki do bahut hi highly anticipated films aa rahi hai, Sam Bahadur and Metro Vandino. Which one is it that you are really excited about right now? I am excited about everything. Main jo bhi projects karti hu mujhe बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो सब मेरे ऐसे डायरेक्टर्स या को एक्टर्स के साथ है जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ. अभी दादा अनुराग बासु के साथ तो मैं ज़िंदगी भर काम करना चाहूँगी. उन जितनी बार मुझे बोलेंगे आप तू सेट आ जा, पासिंग दे दे, मैं चली जाऊँगी. तो दादा के साथ तो वैसा रिश्ता है, घरेलू रिश्ता है. बाकी मेघना गुलजार के साथ भी उनके साथ काम करना था और अब मौका मिला है. आई एम एक्साइटेड. आई होप जो काम किया लोगों को पसंद आए. एंड धक आ रही है, लिमिटेड रिलीज है, लिमिटेड रिलीज है तो कुछ समय के लिए ही थिएटर्स में होगी और बहुत ही कम थिएटर्स में आएंगी, कम स्क्रीन्स में. तो आई होप लोग जाके देख ले, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस एक बड़े स्क्रीन में देखने में अलग ही होगा, क्योंकि काफ़ी सारा लैंडस्केप है जो लद्दाख है, मनाली है, बाइक ट्रिप है तो वो जो विजुअली एक बड़े स्क्रीन में देखने में बड़ा मज़ा आएगा. यू नो अगेन एट द सेम टाइम डू बॉक्स ऑफिस नंबर्स will matter to you, because most of these are theatrical releases? I think I am not the person who's going to take the hit. It's the producers. क्योंकि पैसा उनका लगता है. और अब मुझे लगता है कि as an actor, अगर आपने अपना काम सही किया हो, आपको आगे काम मिलेगा. तो वो मैं अपने ऊपर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपने आप से बेहतर होना है. जो मैं कल थी उससे आज बेहतर होना है, बाकी मेरे हाथ में नहीं है. मेरे हाथ में ये है कि मैं सेट पर जाऊँ, अपना काम ठीक से करूँ. थैंक यू सो मच फातिमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने. हैव अ ग्रेट नाइट. थैंक यू.